नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से पहली इकाई वहाँ से 9वीं कविता वरदान मांगूंगा नहीं यह लेकर आई हूँ, जिसे शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। आइए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से है, ये इसकी शुरुआत की पंक्तियाँ। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी जो प्रथम जो पंक्तियाँ हैं वो इस तरह से, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ इस तरीके से हैं, हार यानि पराजय, विराम यानि ठहराव, महासंग्राम यानि महायुद्ध, तिल तिल यानि धीरे धीरे, भीख यानि याचना, वरदान यानि सिद्धि, स्मृति यानि याद, सुख यानि सुखद यानि सुख देने वाला, खंडहर यानि भग्न अवशेष, टूटे फूटे, या फिर खंडहर यानि ऐसी आकांक्षा जो पूरी न हुई हो, उसे भी कहा जाता है। संपत्ति यानि धन। ठीक है, यहाँ पे हम अर्थ देख लेते हैं कि कवि कहते हैं कि जीवन एक महासंग्राम है, अर्थात ही जीवन जो है वो एक महायुद्ध है। यदि इस युद्ध में हार हो जाए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे हार को एक विराम मानना चाहिए। यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। तो अगर मनुष्य के जीवन में कोई युद्ध में वो हार जाता है तो उसको उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको उस हार को एक विराम मान लेना चाहिए कि उसके लिए यह एक आराम करने के लिए मिला हुआ ब्रेक है, यह उसको मान लेना चाहिए। ठीक है, कठिनाइयों से घबरा कर उसे किसी से भी दया की भीख नहीं लेनी चाहिए। यानी अगर वो कठिनाइयों से घबरा जाएगा तो लोग उसको सांत्वना देंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, ऐसी भीख उसको कभी भी किसी से नहीं लेना चाहिए, भले ही उसे तिल तिल कर मिटना ही क्यों ना पड़े। यानी यहाँ पे लेखक बोल रहा है भले ही उसको तिल तिल करके मिट जाना पड़े, लेकिन फिर भी उसे दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कवि कहते हैं मुझे अपने सुखद यादों के लिए या दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई पूरे संसार की संपत्ति भी दे दे तो भी मैं नहीं लूंगा, मैं किसी से कभी भी वरदान नहीं मांगूंगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हारी ये सुखद यादें जो तुम्हारी दबी हुई है इनकी पूर्ति के लिए, यानी कोई इच्छाएं हमारी रह गई हो, तो लेखक बोल रहे हैं कि अगर कोई इच्छाएं रह गई हो उनको पूरा करने के लिए अगर कोई मुझे संसार की पूरी संपत्ति भी, संसार का पूरा धन भी दे दे तो भी मैं नहीं लूँगा और मैं किसी से कभी भी वरदान नहीं मांगूंगा। क्योंकि ऐसी सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी से भीख मांगना, यह जो है लेखक को गवारा नहीं है। आइए अगली पंक्तियाँ हम देखते हैं इसकी। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, है ना। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिल यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अब यहाँ पे लघुता न अब मेरी छूओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। आइए इसके कुछ शब्दार्थ हम सबसे पहले देख लेते हैं। शब्दार्थ में देखिए किंचित यानी जरा सा भी, भयभीत यानी डरा हुआ, संघर्ष यानी स्पर्धा, हृदय यानी दिल, व्यर्थ यानी फालतू, लघुता यानी छोटा होने का भाव, महान यानी बहुत बड़ा, और वेदना यानी कष्टों वाली पीड़ा। अब यहाँ पे अर्थ को हम देख लेते हैं कि कवि कहते हैं कि हार या जीत जो है मुझे कभी नहीं डरा सकती, है ना। हार से या जीत से मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जीत हो तो जीत से ही और हार हो तो हार से ही, जो भी हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, मेरे पल्ले में जो भी आए मैं उसे अपना लूंगा, पर मैं कभी किसी से वरदान नहीं मांगूंगा, कभी किसी से भीख नहीं मांगूंगा, कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। कभी कहते मैं छोटा हूं तो हूं, यानी छोटा हूँ तो छोटा ही सही, तुम मुझसे या मेरे छोटेपन को मत छूना, तुम मुझे या मेरे छोटेपन को मत छूना, क्योंकि तुम्हें अगर छोटा होना अच्छा नहीं लगता, छोटों से बात करना अच्छा नहीं लगता, छोटों की संगत में रहना अच्छा नहीं लगता, तो मैं छोटा हूँ तो छोटा ही सही, तुम मुझे या मेरे छोटेपन को मत छूना, तुम स्वयं ही बड़े बने रहना, बड़े बने रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम बड़े बने रहोगे तो। मुझे अगर दुख या तकलीफ होती है तो होने दो,
अगर कोई दुख या तकलीफ होती भी है तो होने दो, मैं दुख के कारण व्यर्थ में अपने दुखों को दूर नहीं करूँगा, है ना। वो कहते हैं कि दुख के कारण मैं व्यर्थ में अपने दुखों को दूर नहीं करूँगा, यानी सिर्फ दुख हो रहा है मुझे इसलिए अब इसको दूर करने का कोई उपाय चाहिए, ऐसा नहीं है। और उसके लिए मैं कभी भी वरदान नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी जो इच्छा है वही मैं पूरी करूँगा। जो संघर्ष करके मुझे जीतना है तो मैं संघर्ष करके ही जीतूँगा, किसी से भीख मांग कर नहीं जीतूँगा। आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, है ना। यहाँ पे हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। आइए इसका अर्थ पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। इसमें सिर्फ एक ही शब्द मुझे शब्दार्थ के लिए दिखाई पड़ा है, जो है अभिशाप यानी कि शाप, बाकी सब एकदम ईजी है। तो अर्थ देखते हैं। कभी कहते हैं कि चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा मिले, दुख, चाहे कोई मुझे श्राप ही दे दे, यानी मुझे चाहे कितने ही दुख मिले, कितनी पीड़ा मिले, चाहे कोई मुझे श्राप ही क्यों ना दे दे, परंतु मेरे साथ कोई कुछ भी करे, पर मैं अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगूंगा, है ना। मेरा जो कर्तव्य, मेरी मुझे जो ड्यूटी मिली है करने के लिए, उस पर मैं डटा रहूंगा, पर वहां से मैं कभी नहीं भागूंगा, कभी किसी से मैं वरदान नहीं मांगूंगा, कभी किसी से मैं भीख नहीं मांगूंगा। अब यहां पर जो है लेखक हमें क्या कहना चाह रहा है, तो लेखक हमें कहना चाह रहा है कि मैं स्वाभिमान से जीने में विश्वास रखता हूं, है ना। लेखक यहां पर कह रहे हैं कि मैं स्वाभिमान से जीने में विश्वास रखता हूँ और जीवन के सुख और दुख दोनों को मैं क्या करता हूँ, एक समान रूप से देखता हूँ। सुख मिला है तो सुख के साथ में दुख जरूर आएगा, और दुख आया है जीवन में तो वो हमेशा के लिए टिकेगा नहीं, वो कभी ना कभी जाएगा जरूर। इसलिए यहाँ पर कवि ने जो है हमें सुख और दुख दोनों में समान भाव से रहने की जो है प्रेरणा दी है। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है वरदान मांगूंगा नहीं, यह जो कविता है अब आपको अच्छे से इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी न भूलें, जिससे कि दूसरे विद्यार्थियों को भी पढ़ने के लिए मटेरियल मिल सके, उनका भी लाभ हो सके। और ये क्वारंटाइन के समय में हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, तो मदद कीजिए अपने मित्रों के, अपने मित्रों को जो है वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको पढ़ सके। धन्यवाद, नमस्ते।